From here we are going to Karu Dungar. Karu is black, Dungar is mountain. गाइस हम लोग अभी यहाँ पे रुके थे क्योंकि यहाँ पे कुछ होटल नहीं है और सुबह से हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया, सो वी थॉट शंकरपाली चकली विकली जो हमने घर से लाया था वो खाएंगे। तो वी जस्ट हैविंग अ क्विक बाइट क्योंकि खाली पेट है काफ़ी टाइम से। इट्स ऑलरेडी 10:30 नाउ और जैसे ही कोई होटल मिलता है वहाँ पे पहले हम ब्रेकफास्ट करेंगे। खूबसूरत है ये, एकदम सुपर रोड है, प्लेन रोड है, छोटी सड़क है लेकिन बहुत अच्छी है और दोनों तरफ हरियाली और ये नज़ारे। गाइस इतना मजा आ रहा है राइड करने के लिए, इट्स अ सुपर व्यू। अभी ये डिपेंड करता है कि आपको ये कितना खूबसूरत लगता है क्योंकि जमीन बंजर है, झाड़ियां हैं, एक रास्ता जा रहा है बीच में से और कुछ नहीं, बट देन या आई रियली एंजॉय दिस व्यू। तो गाइस हम लोग अभी रास्ते में यहाँ पे रुके, बाय बाय, ओके बाय। रोड के साइड में एक स्टॉल था अंडा भुर्जी एंड ऑमलेट का, तो हम लोग अभी इतनी सारी इतनी भूख लगी है तो अभी हमने बॉयल्ड एग खाया और अभी मैं खा रहा हूँ ऑमलेट, तो काफ़ी टेस्टी लग रहा है। तो चलो फिर मिलते हैं आगे। जी विथ नाश्ता किया, वी हैड एन ऑमलेट ब्रेड। एट 11:30 हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया, काफ़ी भूख लगी थी, इट वॉज रियली गुड। एट टाइम्स आई फील ये रोड साइड के जो ढाबे होते हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छा खाना मिलता है, सो गुड, थैंक यू भाई। तो फ्रॉम हियर वी आर गोइंग टू कारू डूंगर, राइट लेके ये रोड जाता है कारू डूंगर जो यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। छोटे से गांव से गुजर रहे हैं, मस्त लग रहा है भाई, सही में पता नहीं मैंने देखा जब से हम ये एंटर किया है ये रोड पे, बच्चे रास्ते के बाजू में खड़े बैठे रहते हैं और फिर बीच में आते हैं, विच इज डेंजरस यार, विच इज रियली डेंजरस। वैसे ये क्लाइंब शुरू हो गई है कारू डूंगर के लिए, कहते हैं ये इस तरफ का सबसे ऊंचा पॉइंट है और शायद से यहाँ से पाकिस्तान कुछ किलोमीटर दूर है। ओके, ये बेर होते ना बेर, ये वो बेच रहे हैं। सी द पैटर्न गाइस, ऐसे राइट साइड में देखिए रॉक फॉर्मेशंस। सो ये काफी स्टीप क्लाइंबिंग चालू हो चुकी है,
एक गाड़ी दिख रही है, शायद से वो चढ़ाई नहीं कर पा रही है, तो वो धीरे धीरे रिटर्न आया एंड देन अगेन ही इज ट्राइंग टू क्लाइम द स्लोप। काफी स्टीप क्लाइंब है इसका। गाड़ी फुली लोडेड भी है, काफी लोग है इसमें, शायद इसी वजह से दिक्कत होती रहेगी, बिकॉज अदरवाइज दिस इज 2.4 लीटर इंजन विच इज क्वाइट पावरफुल। सो गाइस हमें बोर्ड दिख रहा है, वेलकम टू कारो डूंगर द ब्लैक हिल्स। सो वी हैव सक्सेसफुली कम टू द हाईएस्ट पॉइंट। ऑफ दिस एरिया ये सामने क्या है हमें पता नहीं है, लेट्स गो एंड चेक। ओके गाइस, सो दिस इज द पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट। नहीं नहीं कैमल नहीं बढ़ना है, हाँ जाएंगे ऊपर, ऊपर जाएंगे लेकिन कैमल की जरूरत नहीं है। अब मैं तो खुद कैमल जितना हाइट है, देख अरे मेरा डर लगता है मेरे को भाई मेरे। नहीं 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 बैठना नहीं दोस्त, अरे मैं नहीं बैठता ना, मेरे को मैं घोड़े से गिरा था हिमाचल में एक बार, तब से मैंने सब जानवरों पे नहीं बैठता हूँ मैं। घोड़ा तो ऐसे ही था जैसे वो उससे भी ऊंचा है बारे, हाँ यार और ज़्यादा जोर से गिरेगा। तो गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं कारू डूंगर, तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे हम लोग, जहाँ तक गाड़ी आ सकती है, इसके बाद आपको चल के जाना है, ज़्यादा नहीं आधा किलोमीटर रहेगा, तो मैं आपको दिखाता हूँ आगे चल के। ये सनसेट पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट इन कच्छ, विच इज़ 458 मीटर्स अबव द रन। तो जैसे मैंने पहले कहा था, ये हाईएस्ट पॉइंट है कच्छ का। दिस इज़ ऑल्सो कंट्रोल्ड बाई दी आर्म्ड फोर्सेस बिकॉज स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। यहाँ पे आपको लोकल हैंडीक्राफ्ट वगैरह जो कच्छ का है ये आपको मिलेगा। सो यहाँ पे आपको जो उनका ट्रेडिशनल कपड़े जो हैं, पगड़ी और वो कोट रहता है जैकेट जैसा, कलरफुल होता है काफ़ी, तो वह आप पहन के फ़ोटो निकाल सकते हैं। सो गाइस वी हैव रीच द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ कच्छ कारू डूंगर। तो मैं आपको आगे जाके ये व्यू दिखाता हूँ। दिस इज रियली ब्यूटीफुल गाइस। कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? गुड। As you can see, this is outstanding. So guys, यहाँ से ये लोग आपको बायनाकुलर से जो आखिरी पोस्ट है इंडिया की वो दिखाते हैं।
See this. Very beautiful. बेहद खूबसूरत है ये भाई, धमाल है धमाल। तो गाइज़ ये है दौलत, और ये बेसिकली यहाँ पे काम करते हैं कारू डूंगर पे। तो जो लोग जो आते हैं तो आप क्या करते हैं बताइए? पगड़ी लगाते हैं यहाँ पे, 20 रुपीस फोटो के लिए, पहन के फोटो निकालने के लिए। कच्ची पगड़ी बोलते हैं। कच्ची पगड़ी और जैकेट भी है, जैकेट भी पहनते हैं। तो दिन में कितने लोगों को लगाते हो पगड़ी? हो जाता 500-600 ज़्यादा में हो जाता है। चलो ठीक है, चलो अच्छी बात है। तो दौलत टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। यहाँ पे हमारे थाने के दोस्त मिले हैं। हेलो गाइस, सो ऑल दिस गाइस आर फ्रॉम थाने, ये लोग भी राइड पे आए थाने से। क्या भाई साहब आपका नाम क्या? सम्मा सोहेल तैयब। आपका? आप क्या काम करते हैं यहाँ पे? मैं गाड़ी चलाता हूँ, पैसेंजर बन जाता हूँ। ओके, और आप? पगड़ी? मैं पगड़ी लगाता हूँ। ओके, कितने लोगों को पहनाते हो पगड़ी दिन में? पगड़ी सर ऐसे जो लोग पास में आते हैं तो 20 में पहनाते हैं, 10 में पहना रहा हूँ। सीजन का भी रहता है यहाँ पे? चार महीना सीजन, तभी बहुत लोग आते रहेंगे यहाँ पर, बहुत भीड़ होती रहेगी, तभी मुझे अच्छा लगता रहेगा। अच्छी बात है, चलो थैंक यू वेरी मच भाई, थैंक यू। वापस कभी आएंगे, वापस जरूर मिलेंगे। हाँ भाई आपका? जी संजोत। और क्या काम करते हो आप? मैं ढोलक बजाता। चलो एक अच्छी गाना सुनाओ। एक नंबर भाई, एक नंबर। सो गाइस, इस दोस्त ने अभी हमारे लिए गाना गाया, बहुत खूबसूरती से गाया, धमाल है, मजा है। यहाँ पे ये मंदिर है, श्री छत्राय मंदिर, अभी गुजराती तो मुझे समझ नहीं आती, पहले था बट इट इज सम शॉर्ट लाइक दैट। तो अगर आपको मालूम है क्या मंदिर का नाम क्या है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ये हमारे नए सब्सक्राइबर है गुजरात से। मैडम क्या नाम है आपका? भावना। कहाँ से आप? हम सूरत से। वेरी गुड, सूरत तो मतलब मुंबई से नजदीक है। हाँ। तो ये इनकी फैमिली है। हेलो। एंड ये जेंटलमैन है फ्रॉम बोरीवली। बोरीवली सर। गुड टू सी पीपल फ्रॉम मुंबई। हेलो मैडम। वेरी फ्रेंडली पीपल, मजा आया सही में, बहुत मजा आया। आप देख सकते हो, इट्स अ वेरी स्टीप
climb and a descent as well. सो गाइज दिस वॉज कारू डूंगर और आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए. ओके, सी यू एट द न्यू लोकेशन. सो दोस्तों ये सबसे टॉप फ्लोर से ये व्यू है ये टावर के. तो दिस इज द रण. आप देख सकते हो कितना खूबसूरत है.